हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्पेरेंट्स अबोर्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड जनवरी की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। गावी मतलब कि एक ग्लोबल अलायंस, मतलब एक पूरा ग्लोबल एक संगठन है। किस लिए है? वैक्सीन के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए है ये। और इसके बोर्ड मेंबर में से इनमें से किसे चुना गया है? इसके बोर्ड मेंबर्स चुने गए हैं इस ग्रुप के, इस संगठन के, और इनमें से इस संगठन के बोर्ड मेंबर के रूप में किसे चुना गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं। ठीक है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, मतलब गावी। ठीक है, द सीट इज करेंटली हेल्ड बाई मिंट हाथवे ऑफ म्यांमार, मतलब म्यांमार के मिंट हाथवे के द्वारा अभी ये सीट कैप्चर्ड है, मतलब कि इन्होंने इन्हें रिप्लेस किया है ये कहेंगे हम। तो ये किसकी जगह पे जा रहे हैं? ये मिंट की जगह पे जा रहे हैं जो कि म्यांमार के हैं। डॉक्टर वर्धन विल रिप्रेजेंट द साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस, वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द गावी बोर्ड। ठीक है, तो गावी बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस, पैसिफिक रीजनल ऑफिस, मतलब जिधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, उन सब के एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे अब डॉक्टर हर्षवर्धन। इनसे पहले कौन कर रहा था? तो मिस्टर मिंट, जो कि म्यांमार से हैं। ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं ये भी याद रखना। ये कहां जा रहा है? ये गावी के बोर्ड मेंबर बन के जा रहे हैं। ये गावी बोर्ड क्या है? द गावी बोर्ड मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गावी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा किस लिए? फॉर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग, ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ द वैक्सीन अलायंस एंड मॉनिटर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया होड़ में लगी है, सब वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वैक्सीन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा उसे मॉनिटर करना और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसका रिस्पॉन्सिबल होगा गावी। गावी का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। गावी की स्थापना की गई जनवरी 2000 में। ठीक है, याद रखेगा। और इसके बोर्ड मेंबर के रूप में चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच प्लेस बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल सेंटर से मौसम का अनुमान लगाया जाता है। तो भारत के मौसम विभाग ने भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया है? आपको ना ये ऑप्शन से लगा लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे ऊंची जगह लेह है, तो इसका आंसर भी लेह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, ये भी हर्षवर्धन जी ही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, ये हर्षवर्धन जी ही मंत्रालय संभाल रहे। तो अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया इस मेट्रोलॉजिकल सेंटर का। ठीक है, जो कि लेह, और लेह कहां पर है? लद्दाख में है, वहां पे स्थापित किया गया। द सेंटर वुड प्रोवाइड लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट इन द रीजन, उस क्षेत्र का मौसम कैसा होगा, क्या होगा, ये फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा ये सेंटर। Which would result in the strengthening the weather related early warning system for the region. कि पहले ही वार्निंग मिल जाएगी मौसम के बारे में, तो उस क्षेत्र में इससे सुविधा मिलेगी। The facility is located at height of 3500 meter. ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया है ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो कि इसे सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना देता है भारत में। अभी तक इतनी ऊंचाई पर कोई भी मेट्रोलॉजिकल सेंटर स्थापित नहीं हुआ है। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है आरके माथुर, मतलब राधा कृष्ण माथुर। क्लियर है? अगली न्यूज देखते हैं। Who among the following has been conferred with the prestigious eminent engineer award for the year 2020? 2020 के eminent engineer award किसे दिया गया? तो ये अवार्ड मिला है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये है विनोद कुमार यादव, आप इनकी पिक्चर देख रहे हैं, और ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके यादव। तो चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव हैज बीन कंफर्ड विद द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020।
दिस अवार्ड इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET के द्वारा ये दिया गया है। क्यों दिया गया? फॉर इज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ओवर इंडियन रेलवे। भारतीय रेल में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, रिफॉर्म्स हुए हैं, भाई बहुत कुछ हुआ है। बिना ड्राइवर के ट्रेन चला ली गई, बिना गार्ड के कैसे, बिना ब्रेक के कैसे, ब्रेकवान के कैसे ट्रेन चलाई जा सकती है, ये टेक्नोलॉजी खोज ली गई। ठीक है, ऐसे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के कितनी जगहों पे रेल की पटरियां भी छा दी गई, इन सब चीजों के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बहुत सारी चीजें इनोवेट हुई है इस साल, पिछला साल रेलवे के लिए रहा है इनोवेटिव। एवरी ईयर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली लोकल नेटवर्क सेलिब्रेट इंजीनियर्स डे ऑन द 15 सितंबर टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया। मतलब ये आपको मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो आपका IET है, ये 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाता है। तो ये भी एक आपका निकल के आ गया क्वेश्चन। और ये किसकी याद में मनाता है? तो भारत रत्न प्राप्त सर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाता है। और इसने इंजीनियर अवार्ड दिया है किसे? विनोद कुमार यादव को 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कंफर्ड विद द प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान 2020। इंजीनियर अवार्ड मिला है विनोद कुमार यादव को, तानसेन सम्मान किसको मिला है, ये आपका क्वेश्चन है। तो तानसेन सम्मान मिला है सतीश व्यास जी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो सतीश व्यास जी की है, तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन, तो जाहिर सी बात है उनका सम्मान भी किसी म्यूजिशियन को ही दिया जा रहा होगा। तो मध्य प्रदेश में 96वीं बार तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल किया गया। हर साल यहाँ पे मध्य प्रदेश में म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। एक क्वेश्चन यही से बन गया कि किस राज्य में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये मनाया गया। ठीक है, और इसकी इनॉग्रल जो सेरेमनी रही, ठीक है, इसका उद्घाटन जो समारोह रहा, तो संतूर प्लेयर, संतूर बजाने वाले पंडित सतीश व्यास को इसी दौरान सम्मान दिया गया, तानसेन सम्मान। ठीक है, भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूशन है अभिनव कला परिषद, इसको भी ऑनर दिया गया। क्या ऑनर दिया गया? विद राजा मान सिंह तोमर अवार्ड। तो आप याद रखिएगा कि तानसेन जो है वो नौ रत्नों में से एक थे अकबर जी के जो दरबार में थे। और अब ये देखो, तानसेन अगर अवार्ड की बात करेंगे तो नाम आएगा सतीश व्यास जी का। अभिनव कला परिषद को कौन सा अवार्ड मिला है? राजा मान सिंह तोमर अवार्ड। राजा मानसिंह तोमर अवार्ड मिला अकबर अभिनव कला परिषद को, और तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो वो मिला है सतीश व्यास को। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और ये तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हर साल होता क्या है? मध्य प्रदेश में। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला परागकर्ता पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? पॉलिनेटर पार्क स्पेशली बटरफ्लाइज के लिए होता है, परागकण उन्हीं से होता है ना, तो ये बटरफ्लाइज के ऊपर है। तो ये पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर आएगा यहाँ पे उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, द कंट्रीज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, हमारे भारत का पहला ये पॉलिनेटर पार्क है जो करीब 40 प्रजातियां रखता है, किसकी? बटरफ्लाइज की, हनी बीज की, बर्ड की, इंसेक्ट की। तो इसको कहाँ पे डेवलप किया गया? हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपिंग द पार्क इज टू कंजर्व वेरियस पॉलिनेटर स्पीसीज, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल इन जनरल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीसीज। देखो भाई, ये जो मधुमक्खियां हैं, तितलियां इतनी गायब हो रही है ना, और ऐसे मर रही है ना कि पता भी नहीं चल रहा हम लोग को, और कितनी तितलियां मरती जा रही हैं। अब उतनी तितलियां और उतनी जो अलग अलग तरह की दिखती थी वो अब नहीं दिखती हैं, और बर्ड्स कितनी कम अब दिखने लगी हैं, इंसेक्ट्स भी अब कम होने लगे हैं। ठीक है, तो इन सबको कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इनका कंजर्वेशन करने के लिए पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिसिपिएंट ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। देखो, ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ सोशल डीड किए हों, और यहाँ पे कई लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन में बोल दिया कि इतने नामों में से वो कौन सा नाम है जिसे ये अवार्ड नहीं मिला है। तो डॉक्टर एंथनी फॉसी को भी मिला है,
फादर फैबियो को भी मिला है, डॉक्टर प्रदीप कुमार को भी मिला है, विकास खन्ना को भी मिला है, लेकिन देवेंद्र पांडे को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब चलो आगे देखते हैं क्यों मिला, किसको किसको, और ये देता कौन है। हार्मनी फाउंडेशन ने होस्ट किया इस बार मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस को। इसका थीम रखा गया था सेलिब्रेटिंग कंपेशन इन टाइम ऑफ कोविड। कोविड के टाइम पे दया भावना किसने किसने दिखाई, उसका उत्सव मनाने का ये समय है। और ये अवार्ड दिया गया, एक है डॉक्टर एंथोनी फॉसी को, ठीक है, इनको दिया गया, और फादर फैबियो को दिया गया, ठीक है, डॉक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया, और आईपीएस संजय पांडे को दिया गया, और उसके बाद ये विकास खन्ना को दिया गया, और के शैलजा जी बहुत फेमस है, हेल्थ मिनिस्टर है केरला की। मैंने आपको कहा था ना, WHO ने जो एक संगठन बनाया था उसमें केवल इंडिया से के शैलजा जी को जगह दी गई थी। तो इतने लोगों को ये अवार्ड मिला। के शैलजा जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, इस बार बड़ी चर्चा में रही है। तो एंथोनी फॉसी जो है, ये जो मतलब कि जो कम्युनल डिजीज होते हैं उसके खिलाफ ये काम करते हैं। फादर फैबियो डॉक्टर की मतलब कि वापस आए इसी भूमिका में ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, जबकि वो छोड़ चुके थे काम। प्रदीप कुमार जी की अगर हम बात करें, डॉक्टर प्रदीप कुमार, तो ये अपने दो वार्ड बॉय के साथ मिलके जो लोग लाशों को छू नहीं रहे थे कोविड के टाइम पे, उन्हें अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, उनका अंतिम संस्कार इन्होंने किया है, ठीक है, अपने दो वार्ड बॉय के साथ मिलके। आईपीएस संजय पांडे पहले इंसान थे जब मजदूर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे और सब अपने गांव की तरफ भागने लगे, तो पहला इंसान जिसने उनके लिए कैंप लगाने की सुविधा की थी वो थे आईपीएस संजय पांडे, ठीक है। विकास खन्ना भी इसीलिए, के शैलजा भी इसीलिए कि इन लोगों ने सोशल डीड किया है पैंडेमिक के दौरान, इसलिए इन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है। इजी है नाम याद रखना, इतना मुश्किल नहीं है, तो प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज टीहान फाउंडेशन इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम एस्टेब्लिश। टीहान फाउंडेशन नाम है, ये भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम के लिए परीक्षण करने वाला केंद्र है। और इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आंसर बनेगा IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। और हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है, तेलंगाना, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, ये कौन है, शिक्षा मंत्री है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है, इन्होंने एक तिहान IIT हैदराबाद इस नाम से एक फाउंडेशन स्थापित किया है IIT हैदराबाद में। ये है क्या, द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है, तिहान का फुल फॉर्म फिर से देख लो, टी से टेक्नोलॉजी, आई से इनोवेशन, एच से हब, और AN का ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। तो तिहान क्या है, फॉर अनमैंड एरियल व्हीकल एंड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल एट IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में अब रिसर्च होगा जिसमें बिना मानव के एरियल व्हीकल, हवा में उड़ने वाला व्हीकल, क्योंकि देखो बिना ड्राइवर के ट्रेन चल गई, ठीक है, अब बिना ड्राइवर की कार बनेगी, ऊपर भी उड़ेगा, बिना पायलट के एरियल व्हीकल भी उड़ाया जा सकेगा। इन सब चीजों पे रिसर्च करने के लिए तिहान की स्थापना हुई है। तिहान का फुल फॉर्म मैं फिर से कह रही हूँ, याद कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजी, आई से इनोवेशन, एच से हब, AN से ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है, और लास्ट में सिस्टम। तो ये आप जरूर इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है। हैदराबाद इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना, जिसके CM है के चंद्रशेखर राव। Who has been awarded a knighthood in the UK New Year's Honours list? UK New Year Honours सूची जारी की जाती है, नए साल में किसे सम्मान दिया जाएगा उसे नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। इनमें से किसे ये सम्मान मिला है, भाई 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, और अपने ग्रैंड स्लैम में जो सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीते थे, माइकल उनका नाम था, 91 बार जीते थे, उनका भी खिताब इन्होंने पूरा कर लिया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, और इनका नाम आप अब जान गए होंगे, लुईस हैमिल्टन। Formula 1 रेसिंग ये करते हैं, और लुईस हैमिल्टन इनका नाम है, और इन्हें यूके के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ये है लुईस हैमिल्टन, बहुत चर्चा में रहे हैं इस साल। लुईस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि मिली यूके न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में। ये अवार्ड इनके पास आया हैमिल्टन के पास, क्योंकि ये 7वीं बार वर्ल्ड टाइटल जीत गए इस बार, और ये माइकल शूमेकर की बराबरी कर लिए। यूके नाइटहुड और डैमहुड ऑनर डेट्स बैक टू मेडिवल टाइम एंड कैरीज द टाइटल सर फॉर मैन एंड डेम फॉर वुमेन। मतलब इसमें होता क्या है कि जिसको ये सम्मान मिलता है उसके आगे सर लगा दिया जाता है, अगर महिला हो तो डेम लगा दिया जाता है।
जैसे कि अभी सर लुइस हैमिल्टन हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनको नाइटहुड की उपाधि मिल गई है। नाइटहुड और ये जो डैमहुड होता है, डैमहुड महिलाओं के लिए, नाइटहुड उनके लिए, ये ट्रेडिशनली प्रेजेंट किया जाता है विद अ टच स्वॉर्ड बाय क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ। मतलब कि एक तलवार इनको टच कराई जाती है और वो तलवार किसकी रहती है, क्वीन एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड की महारानी है उनके द्वारा टच की गई होती है। तो ये एक ट्रेडिशनल फंक्शन होता है जिसमें ये सब कराया जाता है और जिसे नाइटहुड की सम्मान मिलता है। अगर वो मेल है तो सर की उपाधि मिलती है, फीमेल है तो डेम की, इसीलिए इसे डेमहुड भी कहा जाता है। क्लियर है, लुईस हैमिल्टन को मिला है। अच्छा, मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला वन कार रेसर है, ये कौन सी कार से रेसिंग करते हैं और ये कौन से देश से संबंधित है, क्या ये यूके की है? नहीं, यूके की नहीं है। तो ये कौन से देश के हैं ये आपको बताना है अभी का अभी कमेंट सेक्शन में, जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं। और बिचरी का क्वेश्चन है, रिसेंटली पास्ड अवे इंदिरा जोसेफ वेन्यूर वॉज अ री ओन, नाम था इंदिरा जोसेफ वेन्यूर, ये कौन थी? तो भाई ये एक ब्रॉडकास्टर थी, रेडियो ब्रॉडकास्टर थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो वेटरन ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेन्यूर पास्ड अवे, शी वॉज अ री ओन ब्रॉडकास्टर इन ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, एंड फर्स्ट इंग्लिश न्यूज अनाउंसर ऑफ ट्रावनकोर रेडियो। ट्रावनकोर से पहली बार इंग्लिश न्यूज अनाउंसर भी कौन थी? इंदिरा जोसेफ वेन्यूर ही थी। व्हेन इट्स इंग्लिश सर्विस बिगेन इन 1949 में इन्होंने ये काम किया था, पहली बार इंग्लिश न्यूज अनाउंस की थी इन्होंने। She was the wife of well-known literary scholar and art critic late E.M.J. Vanier. मतलब इनके हस्बैंड भी बहुत फेमस थे, ये उनकी वाइफ है। हालांकि आपको याद रखना है इंदिरा जोसेफ वेन्यूर रेडियो ब्रॉडकास्टर एंड फर्स्ट इंग्लिश न्यूज अनाउंसर फ्रॉम त्रावणकोर रेडियो इन 1949, और इनका निधन हो गया। अब बारी आती है आपके जो 31st को हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, और क्वेश्चन था हु इज ऑथर ऑफ द बुक वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया। तो इसका आंसर होगा शक्ति सिन्हा। शक्ति सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ये किताब लिखी है। आंसर केवल तीन लोगों ने दिया था, सौरभ त्रिपाठी ने, शालिनी ने और राजेश त्रिवेदी ने। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आर्य राजेंद्रन हैज टेकन चार्ज एज इंडिया यंगेस्ट मेयर फ्रॉम विच कॉर्पोरेशन वार्ड ऑफ केरला। केरला के किस कॉर्पोरेशन वार्ड से आर्य राजेंद्रन सबसे कम उम्र की, भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बन गई हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो वॉज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर, बट बाकी आगे से आपको लाइव क्लास या फिर अगर मिस हो गई लाइव क्लास तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। डेली 9 AM यहाँ पे लाइव क्लास होती है। वीडियो को अच्छा अगर आपको लगा हो, आप समझे हो कि आपके लिए यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जितने भी लोग अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, शॉर्ट एंड बेनिफिशियल। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।